Hello friends, let's see next question. So in the next question, we have to expand log of 1 plus x plus x square plus x cube up to x raised to 8. यानी इसका जो expansion होगा, उसमें आपको x के 8th power तक expand करना है. तो यहाँ पर इसे मैं adjust करके कुछ लिख सकता हूँ. देखिएगा log of, अब यहाँ से हम x square common ले सकते हैं दोनों terms से. तो क्या मिलेगा हमें, x square inside the bracket 1 plus x. फिर friends हम 1 plus x यहाँ से अगर common ले, then I will get log of 1 plus x into 1 plus x square. देन यहाँ पर मैं log a b की फॉर्मूला यूज करूंगा, जो होता है log a plus log b. सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, log of 1 plus x plus log of 1 plus x square. फ्रेंड्स यहाँ पे हम log of 1 plus x की फॉर्मूला यूज करेंगे. तो log of 1 plus x की क्या फॉर्मूला होती है, x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x raised to 4 by 4 प्लस एक्स रेज टू 5/5 माइनस एक्स रेज टू 6/6 प्लस एक्स रेज टू 7/7 माइनस एक्स रेज टू 8/8. यहाँ पर अल्टरनेट प्लस और माइनस है और एक्स की सारी पावर्स प्रेजेंट है एक्सेप्ट जीरो को. ओके, यानी एक्स रेज टू 0 यहाँ पर एबसेंट है, बाकी एक्स की सारी पावर्स हैं और जो भी पावर है उसी नंबर से डिवाइड भी किया गया है. जैसे यहाँ पर एक्स रेज टू 8 है तो डिवाइडेड बाई 8, एक्स रेज टू 7 है तो डिवाइडेड बाई 7, एंड सिमिलरली बाकी टर्म्स के साथ यहाँ पर वैसे ही किया गया है. ठीक है, सो अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं रुक जाऊँगा बिकॉज मुझे x का 8th पावर तक ही यहाँ पर एक्सपांड करना है. फ्रेंड्स अगर इस इक्वेशन में मैं x को x स्क्वायर से रिप्लेस कर दूँ, इस इक्वेशन में अगर मैं x को x स्क्वायर से रिप्लेस करूँ, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x स्क्वायर लिखना होगा. एंड आई विल गेट x की जगह x स्क्वायर लिखेंगे तो x स्क्वायर माइनस, यहाँ पर x स्क्वायर पुट करेंगे तो उसका स्क्वायर करना होगा तो x रेज टू 4/2. यहाँ पर x की जगह x स्क्वायर करेंगे तो उसका क्यूब करना होगा, यानी x स्क्वायर का क्यूब क्या होगा, x रेज टू 6/3. देन यहाँ पे फ्रेंड्स मुझे मिलेगा x रेज टू 8/4. बस आपको अब रुक जाना है बिकॉज क्वेश्चन में बोला गया है x रेज टू 8 तक ही करना है. इसके बाद अगर आप x को x स्क्वायर पुट करेंगे तो आपको x रेज टू 8 से हाईएस्ट पावर मिलेंगे, उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ. फ्रेंड्स अब ये दोनों का हम ऐड करेंगे, सो एडिंग दिस टू इक्वेशंस आई विल गेट log of 1 plus x plus log of 1 plus x square is equal to, पहला टर्म क्या होगा x, then x square से x square by 2 subtract होगा तो plus x square by 2, then x cube by 3, then minus x square by 4, minus x raised to 4/4, so क्या मिलेगा यहाँ पर मुझे, minus 3 x raised to 4/4, then x raised to 6/3 से subtract होगा x raised to 6/6, सो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर, प्लस एक्स रेज टू 6/6. ओके, सो अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, एक्स रेज टू 5 का ही टर्म है तो इसके पहले या इसके बाद मैं लिख सकता हूँ एक्स रेज टू 5/5. देन एक्स रेज टू 8 के टर्म्स देखिए, एक्स रेज टू 8/4 और यहाँ से माइनस एक्स रेज टू 8/8, दोनों सब्ट्रैक्ट होके क्या मिलेंगे, माइनस 3x रेज टू 8/8. ओके, सो ये है फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सपांशन. आई थिंक यहाँ पर एक टर्म और है, ये एक 7 वाला, सो इसके बीच में आपको 6 और 7 के टर्म्स फ्रेंड्स यहाँ पर, सॉरी 6 के मैंने लिख दिया है, 7 का टर्म है x रेज टू 7/7. ओके, तो ये फाइनल आंसर है, बहुत ही आसान है, आपको ये दोनों को सम करना है एंड यू विल गेट फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. बस यहाँ पे आपको ये नोट करना होगा कि आपको एग्जाम में यहाँ पर कब तक बोला गया है रुकने को, तो यहाँ पे x रेज टू 8 तक बोला गया है, इसलिए मैंने वहीं तक कंसिडर किया. सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन.